नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल यूनिक एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी में आपका खंड काव्य में मुक्ति दूत। यह आपका खंड काव्य है जो कि आपका आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो लेखक हैं वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी हैं। और मैं आशा करता हूँ आपने इसके पहले जितने भी हिंदी के वीडियो बन रहे हैं वो आपने देखे होंगे। पद का जो है आपका जो काव्य का था चैप्टर, आपका जो गद्य का चैप्टर था, ममता और वे सब थे, उन सबको आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखे होंगे। और आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे बायो की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, आप सभी क्लासेस को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो अब मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। और जैसा कि हम सारे खंड काव्यों को डिस्कस करेंगे, हर जिले के खंड काव्यों को, मतलब प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी में कौन कौन से खंड काव्य आते हैं, फतेहपुर, इन सब में कौन कौन से खंड काव्य आते हैं, इटावा, बांदा, इन सब में, सब जिलों में जो जो खंड काव्य आते हैं उन सबको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला खंड काव्य आज स्टार्ट करते हैं मुक्तिदूत, जो कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा द्वारा रचित है। ये इम्पॉर्टेंट है आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आपके मुक्ति दूत में करीबन इस जो खंड काव्य में आपके करीबन 5 सर्ग हैं, ठीक है। पांचों सर्ग पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपके इसके लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी हैं। आप देख सकते हैं ये किस किस ज़िले में आता है। ये आपका खंड काव्य हम स्टार्ट करते हैं। जो इसमें प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार से रहते हैं, आप पूरे प्रश्न को देख सकते हैं। सारांश पूछ सकता है पंचम सर्ग का, किसी एक सर्ग का कथांक पूछ सकता है आपसे, खंड काव्य का अंतिम सर्ग पूछ सकता है। ये सब पूरे प्रश्न आप डिटेल में एक बार देख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं। तो हम प्रथम सर्ग को देखते हैं। प्रथम सर्ग देखेंगे, फिर द्वितीय सर्ग देखेंगे, ठीक है। प्रथम सर्ग कुछ इस प्रकार का है। प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी को युग पुरुष के रूप में स्वीकार किया है तथा उनके चरित्र की महानता का वर्णन किया है। महात्मा गांधी भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के संकटों का निवारण करने के लिए उसी प्रकार से अवतरित देखिए हम यहाँ पे पहुँचे थे, हाँ, उसी प्रकार से अवतरित हुए हैं जिस प्रकार राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा बुद्ध, मोहम्मद साहब तथा गुरु गोविंद सिंह आदि भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। जिस प्रकार लिंकन ने अमेरिका का तथा नेपोलियन ने फ्रांस का उद्धार किया था, या उसी प्रकार गांधी जी ने भारतवर्ष को अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति दिलाई। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक, आपका इसमें पूरा डिटेल में दे रखा है, आप स्टडी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर आपकी हिंदी के बुक में नहीं मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपके कुछ कुछ स्कूल्स में इसे कराया भी जाता है और कुछ स्कूल्स में नहीं, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद्र गांधी थे। महात्मा गांधी के जीवन पर अपनी माता के चरित्र की गहरी छाप है। बचपन से ही सत्य हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के आदर्श चरित्र में से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। गांधी जी को हरिजन तथा हिंदुस्तानी दोनों से ही अगध स्नेह था। वे आजीवन विभिन्न समस्याओं से जूझते रहे। उनके अथाक प्रयासों के फलस्वरूप भारत की आज़ादी प्राप्त हो सकी। तो ये पूरा था प्रथम सर्ग हमारा। द्वितीय सर्ग हम देख सकते हैं। खंड काव्य की मूल कथा का प्रारंभ द्वितीय सर्ग से होता है। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में आने अपनी माता को देखा। उन्हें स्वप्न में क्या दिखा उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये आपका द्वितीय सर्ग 2009 के AM में, 13 में DI सेट में और 14 में AG सेट में और 15 में BD सेट में आ चुका है। प्रथम सर्ग आपका भी आ चुका है, 2008 में भी आया है, 9 में आया है, 9 में करीबन 3 सेट में आया था और 13 में आ चुका है और 16 वाले ईयर में सेट में आ चुका है। तो ये जो द्वितीय सर्ग है इस पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अपने सपने में गांधी जी ने अपनी माता को देखा। देखकर गांधी जी ने अपनी माता की समस्त शिक्षाएं याद आ गईं। उनकी माता ने उन्हें समझाया था कि गिरते हुए को सहारा दो तथा देश के भूखे व्यक्तियों को भोजन दो। माता जी की वाणी गांधी जी के हृदय को स्पर्श कर गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वो दीनहीन व्यक्तियों को सहारा देंगे तथा अपनी जन्मभूमि के बंधन काट डालेंगे।
उनके मन में कुछ आदर्श विचार इस प्रकार उत्पन्न हुए कि सभी भारतवर्षी सगे भाई हैं। यदि देश का एक ही बालक नंगा भूखा है तो मुझे सुख किस प्रकार मिलता है। अछूतों को इस उसी ईश्वर ने पैदा किया है। इन अछूतों ने उच्च वर्णों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है, फिर इनके प्रति भेदभाव कैसे रखा जा सकता है। निम्न जाति में पैदा हुए सत्य काम को जब गौतम ऋषि शिक्षा दे सकते हैं तो सबरी को भगवान राम स्वयं अपना प्रेम अर्पित कर सकते हैं, तो फिर इन हरिजनों को हृदय से अलग करना कैसा संभव है। गांधी जी विचार करते हैं कि देश में व्यापक भेदभाव की भावना को मिटाना ही होगा। गरीब और अमीर का भेदभाव ईश्वर का नहीं बल्कि हमारा बनाया हुआ है। हरिजन के मंदिर में प्रवेश करने से यदि मंदिर अपवित्र हो जाता है तो उस मंदिर का भगवान का वास बिल्कुल नहीं है। यही सोचकर गांधी जी ने अपने आश्रम में रहने के लिए हरिजनों को आमंत्रित किया था। गांधी जी के इस कार्य की प्रतिक्रिया हुई, जनता ने आश्रम को चंदा देने से मना कर दिया। आश्रम के प्रबंधक मंगन लाल के निराशाजनक शब्दों को सुनकर गांधी जी क्रोधित हो उठे। उनके मन में अभी अफ्रीका में हुए अपमान की स्मृति शेष थी, जहाँ काले गोरे ऊँचा नीचा भेदभाव व्यापक था। गांधी जी ने कहा कि यदि जनता आश्रम के लिए चंदा नहीं देती है तो मैं हरिजनों की बस्ती में ही रह लूँगा, पेड़ के नीचे सो लूँगा, किंतु मैं आदमी में भेदभाव नहीं कर सकता। मेरे जीते जो जी घृणा और द्वेष नहीं चल सकता। पहले देश आज़ाद हो जाए, फिर मैं हरिजन समस्या का भी निवारण करूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप डिस्कस बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना हो अगर आपको। हम तृतीय सर्ग की ओर बढ़ते हैं। तृतीय सर्ग आपका, इस सर्ग में भारत की विपत्रता और अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। भारतवासी अपमान का जीवन जी रहे थे केवल, और ये आपका 2008 में 12 में 13 में भी आ चुका है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, स्टडी करिएगा। केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों को चाटू कर थे, ठीक है। गांधी जी ने भारत की दुर्दशा को ठीक प्रकार से समझा। उन्होंने अंग्रेजों के प्रति पहले तो नरमता की नीति अपनाई, किंतु अंग्रेजों का हृदय बदलता हुआ ना देखकर उन्होंने विरुद्ध सविनय सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इस समय विश्व युद्ध छिड़ गया। गांधी जी को यह आशा थी कि बिल्कुल विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने से उनके मन में भारतीयों के प्रति अधिक सहानुभूति पैदा हो जाएगी। अतः उन्होंने देशवासियों को अंग्रेजों की सहायता करने के लिए आह्वान किया, परंतु युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों पर और अधिक अत्याचार किए। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानून का गांधी जी ने विरोध किया और देश के महान नेता जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महान मदन मोहन मालवीय और जिन्ना, सरदार पटेल आदि उनके साथ संघर्ष में कूद पड़े। ये सब चीज़ें हैं, डिस्कस बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जो आपका ये तृतीय सर्ग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2008 में भी, 12 में, 13 में, 14 में कई सेट्स में आ चुका है 2000, और ये चौथे सर्ग की ओर डिस्कस करते हैं। इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन का वर्णन किया है। चौथे सर्ग में क्या वर्णन किया है? गांधी जी द्वारा आंदोलन का वर्णन किया गया है। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। जनता ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया तथा नौकरियों का त्याग पत्र कर दिया। इस असहयोग आंदोलन को देखकर गांधी अंग्रेजों की बड़ी निराशा हुई, ठीक है। गांधी जी ने साइमन कमीशन का भी विरोध किया। भारतीयों के द्वारा किए गए इस तिरस्कार का परिणाम स्वरूप अंग्रेज हिंसा पर उतर आए। इसी आंदोलन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी सम्मिलित हो गए। संपूर्ण देश में हिंसक क्रांति प्रारंभ हो गई। गांधी जी ने भारतीय जनता को समझाया और उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलने को प्रेरणा दी। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी यात्रा की। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद संपूर्ण देश में आंदोलन छिड़ गया। कुछ दिन बाद गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ये प्रारंभ किया। फिर कुछ दिन बाद और भी आंदोलन चले, आप इसमें डिटेल में आप स्टडी कर लीजिएगा। बस इतना ही आपका ये सर्ग था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना हो आप लिख सकते हैं, स्टडी करना हो आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आप पढ़े रहेंगे, अपने से बना के भी आप लिख सकते हैं। हम पंचम सर्ग को डिस्कस करते हैं। अब
खंड काव्य के पंचम सर्ग में जो है अंग्रेजों का जो निराशा का वर्णन किया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त हो जाने पर विश्व की राजनीति में परिवर्तन हुआ। इंग्लैंड में चुनाव हुए, वहाँ पर मजदूर दल की सरकार बनी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि जून 1947 से पूर्व ही अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। इस सूचना से संपूर्ण देश में प्रशंसा की लहर दौड़ गई, किंतु इसी समय अंग्रेजों ने षड्यंत्र और मुस्लिम लीग के हठ धार्मिकता से पाकिस्तान बनाने की बात भी सामने आई। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की बात पर अड़े रहे। परिणाम यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत में को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके साथ साथ दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, इसके साथ गांधी को बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार भारत ने स्वतंत्रता संग्राम का अंत हो गया, परंतु देश में विभाजन में गांधी जी को अपार दुख हुआ। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इस डिटेल में आपके 5 सर्ग हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। जो भी छात्र हमारे बाराबंकी से हैं, ठीक है, उन्नाव से हैं, फतेहपुर से, गाजीपुर से, बस्ती और आगरा से, उनके लिए तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे 5 सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मुक्तिदूत उनके यहाँ का खंड काव्य है, ठीक है। और भी इस पे प्रश्न है, उसको आप देख लीजिए। उसको ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको बताने में, बस आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। मुक्तिदूत का खंड काव्य का नायक का चित्रण करना होगा। नायक इसमें कौन है? महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देनी है। जैसे कि वो बहुत दिव्य पुरुष थे, मांस वांस नहीं खाते थे, और अपने देश के लिए बहुत उन्होंने गर्व का काम किया है। और इसमें और भी टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, और भी टॉपिक बता सकते हैं। मतलब कि हरिजनों का उद्धारक थे, और माता भूमि के भक्त थे, महान देशभक्त थे, अडिग एवं निर्भीक थे। ये सब काफ़ी टॉपिक्स पॉइंट वाइज हैं, आप बता सकते हैं। आपको श्लोक लिख के अगर बताना हो, श्लोक लिख के आप बता सकते हैं। और भी इनके बारे में जो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिटेल में स्टडी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। और एक प्रश्न है आपका, मुक्तिदूत का खंडकाव्य का प्रतिपाद विषय और उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एक जाहिर सी बात है कि भारत की आज़ादी पे हमने डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी ने उद्देश्य इसी पे ये अपना खंडकाव्य दिया है, ठीक है। इस पे आप अपना उद्देश्य दे सकते हैं, हरिजन की समस्या और भारत में प्राचीन गौरव का चित्रण किया है। और भी चीज़ें आप डिटेल में बता सकते हैं। दार्शनिक तथ्यों को अभिव्यक्त किया है, भारतीय समाज की तत्कालीन स्थिति को भी बताया है, ये सब चीज़ें बता सकते हैं। तत्कालीन घटनाओं का उल्लेख किया है, और भी ये सब चीज़ें हैं। आप प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 आपका 2008 में बीएन सेट में आ चुका है। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर साइमन कमीशन मिशन जाओ आंदोलन का परिचय दीजिए। साइमन कमीशन मिशन आंदोलन, इस पर आप डिटेल में डिस्कस पढ़ लीजिएगा। खंड काव्य के इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया गया है। भारतीय जनता ने विदेशी सामान का उपयोग न करने का बहिष्कार किया था, प्रारंभ किया था। अगस्त 1930 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। भारतीयों ने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया था। सरकारी नौकरियों का त्यागपत्र देना, ये सब साइमन कमीशन में आपका आता है। डिटेल में इसको डिस्कस कर लीजिए। और एक जो प्रश्न 5वां प्रश्न है, वो आपका मुक्ति दूत खंड काव्य के प्रमुख रसों का उल्लेख करना है। और इसमें जो प्रमुख रस हैं आपके कौन से हैं? वीर रस, क्योंकि ये हमारे देश के गौरव की बात हो रही है, तो इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है। तो यहीं पर हमारा जो ये पूरा खंड काव्य है वो समाप्त होता हुआ। तो मैं आशा करता हूँ हमारे जितने भी छात्र इसे देख रहे हैं, उनको खंड काव्य काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको पीछे करके भी दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक। इसमें करीबन 5 सर्ग हैं आपके, इसमें आप पूरा एक बार स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके खंड काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएंगे ही, आपका डेफिनेटली एकदम कन्फर्म रहता है हर सेट में, ठीक है। तो मेरे जितने भी बाराबंकी आगरा के छात्र हैं, उनको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार।